बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्रेश टिप्स एंड ट्रिक्स। वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप फेसबुक से वीडियो किस तरीके से डाउनलोड करें बिना आईडीएम इंस्टॉलेशन। कोई भी डाउनलोडिंग इंस्टॉलर आपके पास नहीं हो, हम टालकिट पर एफबी की मदद से हम वीडियो डाउनलोड करते। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ बिल का आइकन भी दबाएं ताकि आपसे लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट हम चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला आप अपना ब्राउज़र ओपन करें और अपना फेसबुक को पेज ओपन करें, ठीक है। दोस्तों पहला आप वीडियो पर राइट क्लिक करें और यहाँ URL शो वीडियो URL पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ कॉपी पर क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद टॉलकिट फॉर एफबी, मैंने पहले जो वीडियो अपलोड किया है इसमें मैंने टॉलकिट फॉर एफबी के बारे में मैंने इसको फिक्स करने का तरीका बताया है कि गूगल ब्राउज़र में आप किस तरह फिक्स करेंगे और किस तरह एक्सटेंशन में शो करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको डाउनलोड के बारे में बताएंगे फेसबुक से आप किस तरीके से वीडियो डाउनलोड करें, ठीक है। पहला मैंने इस वीडियो का URL कॉपी किया, URL कॉपी किया और फिर यहाँ टॉलकिट फॉर एफबी ओपन किया। फिर इसके बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन हो जाए तो यहाँ पर डाउनलोड फेसबुक वीडियोज़, ठीक है। यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करें। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फेस्ट करें, ठीक है। फेस्ट करने के बाद यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करें, ठीक है। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। मेरा मंतला तैयारी, ठीक है। ये वीडियो मैंने फेसबुक से डाउनलोड किया, इसकी URL कॉपी किया और फिर टॉलकिट पर एफबी ओपन किया। फिर इसके बाद स्क्रॉल थोड़ा स्क्रॉल डाउन हो गया और इसके बाद यहाँ पर जो डाउनलोड फेसबुक वीडियोस है इस पर क्लिक किया और यहाँ URL फेस्ट किया। URL फेस्ट करने के बाद यहाँ डाउनलोड पर क्लिक किया, ठीक है। डाउनलोड पर क्लिक किया, इसके बाद जो वीडियो हमने डाउनलोड किया तो डाउनलोड वीडियो पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ सेव वीडियो पर क्लिक करें। जिस जगह पर आप वीडियो सेव करना चाहते हैं तो आप वहाँ टारगेट दे दें इसको, ठीक है। फर्ज़ करें हम डेस्कटॉप पर ये वीडियो सेव करते हैं तो मैंने डेस्कटॉप को टारगेट किया कि या डेस्कटॉप पर हमारा वीडियो सेव करें, ठीक है। हम इसको नाम देते हैं 1 2 3, मैंने नाम दिया इस वीडियो को, ठीक है। मैंने सेव किया, ठीक है। हमारे पास सेव हो गया ये वीडियो, ठीक है। हमारे पास आ गया डेस्कटॉप में 1 2 3, हम ये ओपन करते हैं, ठीक है। दे मेर मंतला, ठीक है। ये वीडियो मैंने फेसबुक से डाउनलोड किया, हमने आपको तरीका बता दिया। IDM के बग़ैर कोई भी डाउनलोडिंग मैनेजर इंस्टॉल ना हो कोई भी, अगर ज़रूरत नहीं है। हमने आपको एक गूगल टॉलकिट पर एफबी के ज़रिए मैंने आपको डाउनलोड वीडियो का तरीका बता दिया। इस तरीके से आप अपने फेसबुक से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं बिना IDM के। दोस्तों तो ये तरीका था डाउनलोडिंग मैनेजर का, डाउनलोडिंग का एफबी से। आप टॉलकिट पर एफबी के ज़रिए आप किस तरीके से आप वीडियो डाउनलोड करें, हमने आपको इसके बारे में सारा तफसील बता दिया। तो दोस्तों मैंने पहले जो वीडियो अपलोड किया है मैंने इसमें टॉलकिट पर एफबी का एक्सटेंशन के बारे में बताया है कि टॉलकिट पर एफबी एक्सटेंशन किस तरीके से आप किस तरीके से करना है और किस तरीके से गूगल क्रोम के ब्राउज़र में इसको फिक्स करना है। मैंने फिक्स किया है गूगल क्रोम में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।